हम विनर प्रकाश है, गोल्डन तामुआ में रहता है, और सबको रेडियो फिजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फिजी 2, देश की धड़कन। नमस्कार, फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए पता चला है कि देश में डेंगू और डेंगू जैसे बीमारियों के मामलों में वृद्धि देखी गई है, और ये खासकर सेंट्रल और वेस्टर्न डिवीजन में है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लैब टेस्ट कर रहे हैं ताकि वे इस बात को कन्फर्म कर सके, और वे फीजियन से मांग कर रहे हैं कि वे सुरक्षित रहें। मिनिस्टर डॉक्टर इफ्रेमी वंगई नम्बेते ने कहा है कि बारिश के मौसम में ऐसे मामलों में वृद्धि होती है। डॉक्टर वंगई नम्बेते ने कहा है कि मिनिस्ट्री फिलहाल सेंट्रल और वेस्टर्न डिवीजन के कई एरियाज में स्प्रेइंग कर रहे हैं। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ने इस बात को कन्फर्म किया है कि जो ब्लड सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, उनके रिजल्ट्स डेंगू के लिए पॉजिटिव आए हैं। फिजी पुलिस फोर्स ने अपने ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेशंस पर पुनः गौर किया है ताकि वे पीक आवर्स में कंजेशन को कम कर सके। पुलिस चीफ ऑफ ऑपरेशंस एसीपी अब्दुल खान का कहना है कि ट्रैफिक कंजेशन में वृद्धि होगी, जबकि नया स्कूल टर्म मंगलवार से शुरू होगा। एसीपी खान का कहना है कि वे सुबह और शाम ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करेंगे, और इसके लिए वे तैयार हैं। उनका कहना है कि वे ऑफिसर्स को सहायता पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे। फिजी कॉमर्स एंड एम्प्लॉयर्स फेडरेशन का कहना है कि फेस्टिव सीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के बावजूद अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। चीफ एग्जीक्यूटिव कमलिबा त्रिवेदी का कहना है कि वे नहीं जानते हैं कि 2021 कैसा रहेगा, इसीलिए वे एम्प्लॉयर्स से मांग कर रहे हैं कि वे अच्छी तरह से ऑपरेट करें। बातिवेती का कहना है कि कई बिजनेसेस और फिजियंस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और वे हर तरीके पर गौर कर रहे हैं जिससे फिजी में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकेगा। उनका कहना है कि वे 2021 के पहले कोटा तक इसे अच्छी तरह से स्केल कर सकेंगे। और खेलकूद के खबरों में, फॉर्मर साउथ ऑकलैंड रेंजर्स फुटबॉलर आइवन कुमार अब सुबह की ओर से खेलेंगे। कुमार वापस फिजी आ गए हैं, और उन्होंने प्री ट्रांसफर विंडो के जरिए साइट को ज्वाइन किया है। वे फॉर्मर नसीनुस्ता चोने नरम्बा के साथ सुबह को ज्वाइन करेंगे। सुबह हेड कोच बब्स खान का कहना है कि कुमार के आने से टीम को बूस्ट मिलेगा। कुमार ने 2019 में सुबह की ओर से अच्छा खेल दिखाया था। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम भी सुन सकते हैं। शुभरात्रि। कुमार सानी नायक है, बोम्बो अलीबू लटो का। रेडियो फिजी 2 में पुराना गाना लगे, हमें बहुत अच्छा लगे। रेडियो फिजी 2, देश की धड़कन।